चैनल में स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड राज्य में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इसी कारण केदारनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि इस धाम के प्रति श्रद्धालुओं का अटूट प्रेम और श्रद्धा है। भारतवर्ष में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए शिव जी, इन 12 स्थानों पर शिवलिंगों को अटूट प्रेम के साथ पूजा जाता है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग का नाम है केदारनाथ। अनेकों श्रद्धालुओं का मत है कि जो श्रद्धालु केदारनाथ जी के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ जी की यात्रा पर निकल जाता है, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती और उन्हें पापों से मुक्ति भी नहीं मिलती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में बना हुआ एक विशाल मंदिर है, जो कि सर्दियों में अधिक बर्फबारी के कारण और रास्ते बंद होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए एक वर्ष में केवल 6 माह के लिए ही खोला जाता है। केदारनाथ जी का मंदिर 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें से एक पहाड़ी का नाम केदारनाथ पर्वत, दूसरी का खर्च कुंड और तीसरी का भरत कुंड स्थित है। इसके अलावा ही यहाँ 5 नदी मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम भी माना जाता है। केदारनाथ के पुजारियों द्वारा सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। इसके बाद ही दोपहर में 3 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष पूजन के बाद ही दोबारा शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला जाता है, जिसके बाद शाम 7:30 बजे से रात 8 बजे तक आरती कर एवं शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार कर मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। यदि हम केदारनाथ मंदिर के निर्माण हेतु इतिहास की ओर देखते हैं तो इसमें कई पौराणिक कहानियां एवं कथाएं देखने को मिलती हैं। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। इसका निर्माण पांडवों के वंशज महाराजा जनमेजय द्वारा करवाया गया। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिनकी 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ मंदिर के समीप मृत्यु हो गई। इसी के साथ ही शंकराचार्य जी की केदारनाथ मंदिर के पीछे वाले भाग में एक समाधि बना दिया गया। उपर्युक्त तथ्यों से हटकर केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 पौराणिक कथाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। आइए सुनते हैं 2 पौराणिक मान्यताएं जो कहानियां हैं उनके बारे में। पहली, केदारनाथ पर्वत के शिखर पर विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि घोर तपस्या करते थे। उनके इस परिश्रम से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के आधार पर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पर्वत पर सदा के लिए वास करने का वचन दे दिया था। दूसरी कहानी है, महाभारत के युद्ध में पांडवों के विजयी होने के पश्चात उन पर अपने भाइयों और बंधुओं की हत्या का पाप लगा था, जिसके बाद पांडव इस पाप से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव से आशीर्वाद पाना चाहते थे। शिव जी इस भ्रात हत्या से नाराज थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन उन्हें शिव जी नहीं मिले, लेकिन पांडव उन्हें खोजते रहे। और जिसके बाद पांडवों को पता चला कि भगवान शिव हिमालय में जाकर बसे हैं और पांडव भी हिमालय जा पहुंचे। भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर पशुओं में ही सम्मिलित हो गए, ताकि पांडवों को पता न चले और यह देखकर पांडव भ्रम में हो जाएं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया, दोनों ओर पहाड़ियों में पैर फैला दिया। यह देख सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में धारण किए हुए थे, वहां से निकलने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ लिया, लेकिन बैल धरती में समाने लगा और तभी भीम ने बैल की पीठ के भाग को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी क्षण पांडवों को दर्शन दे दिया
और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। ऐसा आशीर्वाद शिव जी ने दिया। इसी के बाद भगवान शिव बैल की पीठ की जो आकृति एक पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में आज भी पूजे जाते। अब यदि केदारनाथ जी के मंदिर की बात करें तो 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर 85 फुट ऊंचा और 187 फुट इसके अलावा इस मंदिर की दीवार की मोटाई लगभग 12 फुट की है जो कि बेहद मजबूत पत्थरों में तराशी गई है। केदारनाथ मंदिर यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है यहाँ से धरती तल, और जो कि सोचने वाली बात है कि लगभग 1000 वर्ष पहले ऊंचाइयों पर इतनी भारी पत्थरों को तराश कर इस मंदिर को कैसे बनाया होगा। जानकार बताते हैं कि इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का सहारा लिया गया होगा, जो कि यही मजबूती आज भी है आपदाओं की मार झेल रहे इस मंदिर को सुरक्षित खड़ा करने में बड़ी सहायता करती है। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। अगर हम मंदिर की बात करें तो इसकी अपार कृपा एवं शक्ति श्रद्धालुओं को अपनी ओर खुद ही खींच कर ले जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा इस मंदिर के एक अहम रहस्य से भी पर्दा उठाया गया। यह मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबी रही। बर्फ के नीचे दबने के सबूत इस बात से भी मिलते हैं कि मंदिर के बाहरी हिस्से जो बर्फ की चट्टानों के कारण निशान देखने को मिलते हैं, और वहीं अंदर मंदिर के अंदर की दीवारों पर एकदम सही अवस्था पॉलिशिंग एकदम किया हुआ मिलता है। आप जून 2013 के समय के बारे में तो जानते ही होंगे, जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक से बाढ़ आ गई थी जिसके साथ भूस्खलन भी हुआ था। सबसे अधिक प्रभावित केदारनाथ धाम हुआ था। यहाँ आपदा इतनी भयावह थी कि इसके आसपास बनी धर्मशालाएं और होटल पूरी तरह से तबाह हो गया और बह गया। लेकिन इस ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर का सदियों पुराना जो मुख्य गुंबद पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इतनी भयानक एवं सब कुछ तहस नहस कर देने वाली आपदा जिस समय पानी का वेग बहुत तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहा था, और उसी समय ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मंदिर को भी बहा ले जाएगा, ठीक उसी समय जिस समय पानी का वेग बहुत ही तेज था, उसी समय पानी के वेग के साथ ही एक बहुत ही बड़ा पत्थर यानी शिला लुढ़कता हुआ मंदिर की ओर आने लगा। मंदिर के अंदर उस समय 300 से ज़्यादा लोग शरण लिए हुए थे, और शायद वह अपने सामने मौत को देखकर काफ़ी भयभीत थे। शायद वह यह मना रहे थे अपने भगवान से, अपने इष्ट से, महादेव से, कि उनकी रक्षा वे स्वयं आकर करें, और ऐसा ही हुआ। वह पड़ा जो पत्थर शिला जो लुढ़कता हुआ मंदिर की ओर आ रहा था, मानो कि मंदिर तोड़ देता। लुढ़कते लुढ़कते मंदिर से कुछ दूरी पहले ही वह शिला रुक गया, और यह महादेव का चमत्कार था और उन सभी की प्राण बच गए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने मित्र मनीष को आप विदा करिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय महादेव। हर हर महादेव।